हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एस एल वी तेजस। इस बार अपने रेगुलर वाला इंट्रोडक्शन नहीं है, सॉरी फॉर दैट। सो आज हम पंढरपुर घूमने गए, तो ये पंढरपुर की स्टार्टिंग है। सो यहाँ पे हमारे साथ अजय और प्रतीक दोनों भी है, और लेट्स गो। तो ये रहा संत जनाबाई संसार। ये जो मंदिर है ये गोपालपुर में है, और बहुत पुराना मंदिर है दोस्तों। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे शूटिंग करने के लिए। बस आपके लिए मैंने कैसे ऐसे करके शूट किया है। सो पूरा एंड तक वीडियो देखना, स्किप मत करना दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय ज़रूर करोगे। ये अंदर से मंदिर है, और यहाँ पे ये देखो, ये उसका शिखर है बहुत बेहतरीन तरीके से। ये संत जनाबाई का संसार, अंदर जो बर्तन थे वो टाइम के वो यहाँ पे रखे हुए। ये देखो, ये घड़े है, और ये देखो ये चूल्हा, और बहुत सी जैसे कि अलग अलग बर्तन है वो यहाँ पे प्रेजेंट थे संत जनाबाई का संसार के मंदिर में ऐसा। फिर हम लोग चले गए संत जनाबाई, जहाँ पे उन्होंने उस जगह को भेंट दी थी, उस मंदिर में हम लोग चले गए। उस मंदिर का नाम है श्री विष्णुपद मंदिर। फिर हम लोग वहाँ पे उस मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। ये मंदिर भी बहुत प्राचीन पुराना है। अंदर ये भगवान जी हैं, उनके हमने दर्शन लिए। ये जो देख रहे हो इसमें चिड़िया रहती है, ये उनका घर है। फिर हम लोग इस्कॉन टेम्पल चले गए, ये उनका द्वार है, श्री माधवाचार्य द्वार। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा घूमे, ये भी ब्यूटीफुल जगह है दोस्तों विजिट करने के लिए। इस्कॉन के इस्कॉन का जो संगठना है, इन्होंने ये बनाया हुआ टेम्पल है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आगे ही भीमा नदी आपको दिख पा रही है, नदी के नज़दीकी ये बनाया हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल तरीके से इसे बनाया हुआ है। दोस्तों इस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये उसका मराठी में अनुवाद है, तो उन लोगों ने ये बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है दोस्तों। ये वहाँ पे अंदर ये मंदिर है, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे दर्शन देना है। कृष्णा 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 कृष्णा।
अभी मैं इतना ज़्यादा मतलब पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ कि आप पूछे मत, बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मुझे आ रही है। और ये वीडियो मैं बोलूँगा कम और दिखाऊँगा ज़्यादा, इस हिसाब से मैंने ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आपको सिर्फ दिखाना है पंढरपुर का, जो अभी मैं विट्ठल मंदिर में भी जाने वाला हूँ, लेकिन अंदर नहीं। अभी तो सीज़न है, वारी का है, तो इसलिए अंदर दर्शन तो मुझे मिलेगा ही नहीं। सो हम बाहर से ही मुख दर्शन बोलते हैं वो करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर से कमेंट में बता देना। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा। आप, मैं रिकमेंड करता हूँ, प्लीज़ दुनिया के किसी भी कोने में एक बार पंढरपुर ज़रूर आना। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पंढरपुर से एक अलग ही नाता है मेरा। अभी मतलब जब थर्ड स्टैंडर्ड में था तभी आया था, और कभी सोचा नहीं था कि पंढरपुर में मेरा इतना जिगरी दोस्त रहेगा जो कि अनिकेत। और अनिकेत के घर में भी यार मतलब ऐसा लगता नहीं कि मैं किसी और के घर में हूँ, खुद के घर में वैसा फील हो रहा है। ठीक है, ये बात तो अलग है, मैं बाद में बोलूँगा इसे। लेकिन बहुत ज़्यादा सब कुछ, फैमिली बहुत प्यारी है, आना बहुत, दोनों की हमें मस्ती होती है। ठीक है, ये बातें हम बाद में करेंगे ज़रूर, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर एंजॉय करना, ओके। यहाँ पर दोस्तों है ना, सिर्फ महाराष्ट्र और भारत से ही नहीं कि पूरे इंडिया से और आउट ऑफ इंडिया से भी लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए। जैसे तो दोस्तों यहाँ पे अभी ना मेरे साथ और अनिकेत के साथ उसके दोस्त, यानी कि मेरे भी दोस्त हो चुके हैं, अजय और प्रतीक, तो उन दोनों को मैं मिलाता हूँ। यहाँ पे अजय और प्रतीक दोनों को बहुत बड़ा थैंक यू कि वो लोग हमें मदद कर रहे हैं घूमने के लिए। आप भी इन लोग के थैंक यू बोलने के लिए सब्सक्राइब कर दो, आपका भी थैंक्स हो जाएगा। और ये इंसान बहुत ही बेशरम है। और ये जो मंदिर आप देख रहे हो दोस्तों सामने, ये जो शिखर देख रहे हो, ये श्री भक्त पुंडलिक जी का मंदिर है। और श्री विट्ठल जी है, सिर्फ इनके लिए यहाँ पे ईंट पे खड़े हैं। अगर आपने वो गाना सुना होगा, भक्त पुंडलिका साठी उभा राहिला विठेवरी, ये जो गाना है ये मराठी में है, ये उनके ऊपर ही बेस्ड है कि सिर्फ उनके लिए श्री विट्ठल जी वहाँ पे ईंट पे खड़े हैं। काय तुझी माया सांगू श्री रंगा, काय तुझी माया सांगू श्री रंगा, संसाराची पंढरी तू केली पांडुरंगा, केली पांडुरंगा, केली पांडुरंगा, डोळ्यातून वाहे माय चंद्र भागा, डोळ्यातून वाहे माय चंद्र भागा, अमृताची गोडी आज आलिया भंगा विठ्ठला, पांडुरंगा अभंगाला जोड टाळची पड्या, हो अभंगाला जोड टाळची पड्याची, माऊली तमूर्ती और फिर हम लोग दोस्तों आ गए श्री नामदेव पायरी। यहाँ पे मुख दर्शन लेते हैं, अगर आपका दर्शन पॉसिबल नहीं हो रहा है, मेरा भी दर्शन पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि मैं वारे के टाइम पे गया था। और ये रहा श्री संत चोखो मेला समाधि। यहाँ पे अगर आपका दर्शन नहीं हुआ तो मतलब आपने पंढरपुर किया ही नहीं, क्योंकि भक्त यहाँ पे वारकरी बहुत दूर दूर से आते हैं सिर्फ इनका दर्शन लेने के लिए।
फिरत्या चाकावरती देसी। इसके बाद दोस्तों हम लोग गए पंढरपुर की सड़कों पे थोड़ा सा घूमने के लिए बहुत ज्यादा, और यहाँ पे अपने को दिखता है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का चौक। विठला तू बेड़ा कुंभा, पंढरपुर में स्टेशन के नज़दीक है तुलसी वृंदावन, ये भी अभी 2-3 साल पहले ही बनाया हुआ है। यहाँ पे भी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है घूमने के लिए। फिर हम लोग यहाँ पे गए, यहाँ लेकरांची सेवा केली सतुआ। दोस्तों इस दीवार पे उनका सब कुछ, जीवन कैसे बीता, क्या हुआ, संत ज्ञानेश्वर माउली जी उनका सब कुछ दीवार पे बताया हुआ है। ओ उतराई तुझा उपकारा जगी तोड़नाही, तुझा उपकारा जगी तोड़नाही। ओ वाईन जीव माझा सावळी मिठाई विठला, हरी पूजा तुझा पावलांची, माऊली तमूर्ती विठ्ठलाची। विठ्ठला माय बापा, विठ्ठला माय बापा, माऊली माऊली माझी विठ्ठला। ये है संत तुकाराम महाराज। ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा कि तुलसी वृंदावन कहते हैं इसे पंढरपुर में, यहाँ पे आना आपको मैंडेटरी। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल यार, और इतनी पॉजिटिव एनर्जी है ना आपके साथ आपको मिलती है यार दोस्तों, लिटरली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा। मैं डेफिनेटली कहूँगा यहाँ पे आने के बाद पंढरपुर में आना आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके, ज़रूर यहाँ पे आना। उसके बाद दोस्तों हम लोग वहाँ पे नज़दीकी जतरा थी वहाँ पे घूमने के लिए गए, और वहाँ पे ये सब देखा और एंजॉय किया, बैठे किसी में नहीं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेंबर के साथ जरूर से शेयर करना, ओके। ये मेरा पंढरपुर का फर्स्ट टाइम विजिट था, जो कि इन डिटेल विजिट था। मैं थर्ड
स्टैंडर्ड में था तभी गया था, तभी तो कुछ इतना समझ में नहीं आता था। अभी गया तो स्केड्यूल टाइट था, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पंडरपुर में थी वहाँ पे मैं गया और ये शूट किया है। और वीडियो मुझे छोटा बनाना है क्योंकि ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ तो लोग विजिट कर, मतलब कम एवरेज व्यू ड्यूरेशन आता है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताना। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अब आपको क्वेश्चन पूछूंगा, क्यों इस बार मैं आपको आंसर नहीं दूंगा, इस बार आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताना। सो पंडरपुर में कौन सी नदी है, तो ये आंसर आपको बताना है और उसके दो नेम है। ओके, कमेंट्स में आपको ये बताना है गूगल सर्च करके, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए। सो इफ यू लाइक, सो एज ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर प्राइजेस फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड कीप क्लीन आवर इंडिया। जय हिंद। So as always, take care of your prized family and friends and keep clean over India. Jai Hind.